Hello, students of class 7. Welcome back in my video number 14. As you know, that we were on chapter number 2 Nutrition in Animals. Today, we will study different types of teeth. Open your page number 18, and this is different types of teeth. ऑल ऑफ हस हैव टू सेट्स ऑफ टीथ इन आर लाइफ टाइम द फर्स्ट वन वी हैव सिंस आर बर्थ अंटिल वी आर अबाउट सिक्स टू सेवन ईयर्स ओल्ड जैसा कि हम जानते हैं हमारी पूरी ज़िंदगी में दो तरह दो दफ़ा जो है वो हम टीथ जो है वह हमारी बॉडी हमारे मुँह में आते हैं द फर्स्ट वन जब हम जब बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद जो उनके दांत निकलते हैं और वह सिक्स सेवन ईयर्स तक टूट के दोबारा आना शुरू हो जाते हैं ठीक है लेकिन जो शुरू में जो टीथ निकलते हैं बच्चों के वो दीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्प्रेरी टीथ वो मिल्क टीथ या फिर हम उन्हें टेम्प्रेरी टीथ कहते हैं यानी दूध के दांत होते हैं वंस द मिल्क टीथ फॉल्स आउट एक दफ़ा जब वो मिल्क टीथ टूट जाते हैं द परमानेंट टीथ टेक देयर प्लेस उनके टूटने के बाद दोबारा जब उन उस जगह पे दांत निकलते हैं वो परमानेंट टीथ कहलाते हैं डू यू नो हाउ मैनी टीथ द ह्यूमन बींग हैव ऑल ऑफ दैम हैव थर्टी टू टीथ इन ऑल हमें क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स में कितने दांत होते हैं तमाम ये सब लोग जो हैं वो थर्टी टू टीथ्स यानी बत्तीस दांत हमारे मुँह में मौजूद मुझे होते हैं सिक्सटीन इन ईच जॉ एक जॉ में सिक्सटीन होते हैं तो दो जॉज़ में थर्टी टू होते हैं डू ऑल योर टीथ लुक लाइक लुक लाइक क्या सारे दांत एक ही तरह के होते हैं नो दे डोंट डू नाट वो एक तरह के दांत नहीं होते बल्कि वो मुख्तलिफ़ तरीके के होते हैं देर आर फोर टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर माउथ हमारे मुंह में जो दांत मौजूद हैं वो चार टाइप के होते हैं सी दिस पिक्चर टू पॉइंट फोर एनसाइजर कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलर्स चार टाइप्स कौन कौन सी हैं ये इन्साइजर्स हैं कैनाइन है प्रीमोलर्स एंड देन मोलर्स ये हमारे जो हैं वो चार टाइप्स हैं कम टू देज नंबर नाइनटीन एंड सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज टी एनसाइजर अब इंसाइजर किस तरह है देर आर टू पेयर ऑफ इंसाइजर इन ईच जॉ हमारे दोनों जॉ में एक पेयर दो पेयर्स मौजूद होते हैं इंसाइजर के दे हैव चीज़ल लाइक एंड एंड आर मेंट फॉर कटिंग एंड बाइटिंग इसके चीज़ल लाइक एंड होते हैं और ये हमारी कटिंग और बाइटिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं कैनाइन देर इज़ अ पेयर ऑफ कैनाइन इन ईच जॉ एक पेयर मौजूद होता है केनाइन का हर जॉ में दे हैव पॉइंटेड एंड उनके पॉइंटेड एंड होता है एंड आर मेंट और बनाए जाते हैं फॉर द टीयरिंग ऑफ द फूड किसी भी फूड को टीयर करने के लिए जो है वो कैनइंस इस्तेमाल किए जाते हैं कैनाइन टीत आर वेल डेवलप्ड इन कार्निवोर कार्निवोर्स कैनाइन टीथ्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वेल डिवेलप्ड होते हैं पॉइंट शार्प होते हैं कार्नीस में प्री मोलर्स देर आर टू पेयर्स ऑफ प्रीमोलर्स इन ईच जौ दो पेयर मौजूद होते हैं प्री मोलर्स के हमारे हर जौ में दे आर बिगर दैन इंसाइजर, ये इंसाइजर से बड़े होते हैं एंड कैनइन दोनों से एनसाइजर और कैनाइन से बड़े होते हैं एंड आर फ्लैटेंड ऑन टॉप और वो फ्लैट होते हैं अपने टॉप पर टॉप से वो फ्लैट होते हैं देर आर फोर प्रीमोलर्स ईच ऑन अपर एंड लोअर जॉज चार प्रीमोलर्स मौजूद होते हैं अपर में अपर जॉ में और लोअर जॉ में टू ऑन इधर साइड दो दांत जो हैं वो दोनों साइड्स पे मौजूद होती हैं दो दो दांत एक तरफ दो होंगे एक तरफ दो होंगे तो एक अपर जॉ में भी चार प्रीमोलर्स हैं और लोअर जॉ में भी चार प्रीमोलर हैं द सर्फेस ऑफ द प्रीमोलर हैज़ स्मॉल हम हम्प्स विच फेसिलिटेट ग्राइंडिंग एंड मस्टिकेशन ऑफ द प्री मोलर्स uh, में uh, छोटे छोटे uh, छोटे हम्स होते हैं या उभार होते हैं जो कि um, गजा को ग्राइंड करने में मस्टिकेशन uh, मस्टिकेशन में मदद देते हैं फूड की मोलर्स देर आर थ्री पेयर्स ऑफ मोलर्स इन ईच जो तीन पेयर मौजूद होते हैं हर जौ में वी ह्यूमन बींग हैव ट्वेल्व मोलर्स हम इंसान जो हैं हमारे अंदर बारह मोलर्स मौजूद होते हैं दे आर यूज टू चू फूड मोलर्स आर ऑल्सो फ्लैटेंड ऑन टॉप ये हेल्प करते हैं च्यूइंग में और ये भी टॉप पर से फ्लैटन यानी सीधे होते हैं यू नो कार्डिवोर इज़ एन एनिमल दैट ईट ईट्स फ्लैश कार्निवोर्स हम जानते हैं कि वो ऐसे एनिमल्स हैं जो कि फ्लैश यानी गोश्त वग़ैरह जो है वो खाते हैं दे हैव हाईली डेवलप्ड कैनइंस टू टीयर ऑफ फ्लैश ईजीली इसी वजह से उनके जो कैनइंस हैं वो वेल well डेवलप्ड होते हैं हाईली डेवलप्ड होंगे पॉइंटेड होंगे ताकि वो फ्लैश को आसानी से टीयर कर सकें या खींच सकें दे आर शार्प एंड सर हेल्प टू ग्रैप द प्रे एंड द पावरफुल मोलर्स एंड प्री मोलर्स स्लाइस थ्रू फ्लैश एंड बोन्स उनके इंसाइज़र बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं ताकि वो अपने शिकार को बहुत आसानी से ग्रैब कर सकें मज़बूती से और बहुत पावरफुल मोलर्स और प्री मोलर्स होते हैं यानी इतने मजबूत होते हैं बहुत स्ट्रॉग होते हैं ताकि वो उस फ्लैश और बोन्स को जो है वो आसानी से स्लाइसेस में चेंज कर सकें यानी उसे तोड़कर खा सकें On the other hand, herbivores have different types of teeth as they are used to plant-based diet only. लेकिन herbivores में हमारे पास जो है वो different type के teeth होते हैं क्योंकि वो plants उन वो जो खा, गजा खाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पौधे होते हैं पत्ते या पौधे they have incisors only in lower jaw. उनके incisors जो हैं वो सिर्फ lower jaw में मौजूद होते हैं while फीडिंग a herbivore एनिमल्स ग्राइंड द plants by मूविंग इट्स jaw इन अ सर्कुलर मोशन आपने देखा होगा कि बहुत सारे जानवर जब च्यू कर रहे होते हैं यानी अपनी गजा चबा रहे होते हैं तो वो अपने मुंह को सर्कुलर फॉर्म में जो है मूव कर रहे होते हैं मोस्ट रोडेंट्स आर हर्बी बोर्स दे आर मोलर्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट विद रिजिज फॉर ग्राइंडिंग बहुत सारे रोडेंट्स जो हैं वो भी herbivores हैं जो कि मॉलर्स उनके मॉलर्स जो है वो ब्रॉड होंगे चौड़े होंगे फ्लैट होंगे वे ड्रिजेज उसके ऊपर उभार होते हैं फॉर दी ग्राइंडिंग दे हैव लॉन्ग चीज़े लाइक इंसाइजर फॉर नॉइंग ग्रास एंड ट्विक्स उनके जो इंसाइजर्स हैं वो चीज़ें लाइक -like ऐसे होते हैं कि वो आसानी से ग्रास या छोटी छोटी ट्विक्स जो होती हैं नई नई शाखें जो निकल रही होती हैं उनको आसानी से तोड़ सकें यू माइट हैव सीन द लॉन्ग ब्यूटिफुल टस्क ऑफ एन एलीफेंट आपने देखा ही होगा एन जो एलिफेंट है उसके बहुत ख़ूबसूरत टस्क होते हैं या जिन्हें हम हाथी के दांत कहते हैं वो बहुत ख़ूबसूरत बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं बड़े चमकदार से होते हैं दिस इज़ एक्चुअली द एलीफेंट्स इनसाइजर टीथ एक्चुअली वो कौन से हैं वो एलीफेंट के इनसाइजर टीथ हैं जो कि बाहर नज़र आते हैं हमें यू कैन सी इन दिस पिक्चर द टस्क ऑफ एन एलिमेंट एलिफेंट ये जो इसके हैं ये इसके एनसाइजर हैं एनसाइजर ठीक है अब ये पिक्चर आप देखें कि टाइगर ये इसके जो है वो कैनइंस जो हैं वो वेल डेवलप्ड हैं ये बाहर निकले हुए होते हैं पॉइंटेड होते हैं ये देखें इससे क्या होता है कि ये फ्लैश को आसानी से तोड़ लेते हैं ओके okay. अब ये जो है ये काओ के टीथ हैं ये देखिए चौड़े चौड़े होते हैं ये थोड़े से ठीक है ना अब ये इसमें इससे ये जो है वो ट्विक्स को खींच लेते हैं तोड़ लेते हैं और फिर ये जो चबाने का प्रोसेस है उनमें वो वेल well डेवलप्ड होता है और वो आसानी से इसको अपने दांतों की मदद से चबा लेते हैं द डेंटिशन सीन इन ह्यूमन इज़ एडेप्टेड टू एन ओमनीवोर्स डाइट अब ह्यूमन बींग्स में जो डेंटिशन है या दांत मौजूद होते हैं वो ओमनीवोर्स डाइट के हिसाब से होते हैं यानी हम लोग ओमनीवोर्स हैं हम प्लांट्स भी खाते हैं हम आ, जो है वो फ्लैश भी खाते हैं यानी मीट वगैरह भी लेते हैं और उसके अलावा हम ये दोनों चीज़ें भी खाते हैं ठीक है ना दस वी हैव डिवेलप्ड ऑल द फोर टाइप्स ऑफ टीथ इसलिए हमारे यानी इंसानों में जो है ये तम चारों की चारों टाइप्स जो हैं टीथ की वो वेल डेवेलप्ड होती हैं दे फिट टुगेदर टू गिव अ नीट बाइट एट दी फ्रंट साइड ऑफ़ दी माउथ एंड एन एफिशिएंट च्यूइंग सिस्टम एट द बैक ये बिल्कुल uh, जो इंसानों में जो दांत मौजूद होते हैं वो बिल्कुल फ़िट हैं बहुत ही अच्छे तरीके से हम निवाले को तोड़ते हैं अपने फ्रंट टीथ से और उसके बाद अपने माउथ में चबाते हैं और जो बैक पर हमारे दाणे मौजूद हैं या मोलर्स मौजूद हैं प्री मोलर्स और मोलर्स वो इसको उससे हमारा चुइंग सिस्टम जो है वो बहुत एडवांस्ड uh, है डेवलप्ड है आसानी से हम उसे चबा लेते हैं ओके दिस इज़ द टीथ ऑफ द ह्यूमन बींग ओके वी गेट द टेस्ट ऑफ फूड यूजिंग अवर टंग अब हमारे मुंह में जो है वो टेस्ट किस चीज़ से आता है हमारे मुंह में टेस्ट जो है वो हमारी टंग हमें प्रोवाइड करती है इट कंटेन्स न्यूमरस टेस्ट बर्ड्स टू सेंस वेदर अ टाइप ऑफ फूड इज स्वीट सौर बेटर और हॉट अब इसके अंदर जो बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं वो हमें समझाते हैं या वो हमें बताते हैं कि किस टाइप का फूड हमने अपने मुंह में रखा है आया वो स्वीट है शौर है बिटर है या फिर वो बहुत ज़्यादा गर्म या हॉट है डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स कैन सेंस डिफरेंट टेस्ट अब डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो सेंस करते हैं डिफरेंट टेस्ट को और उनकी अरेंजमेंट हमारी टंग में किस तरह होती है वो हम देखते हैं ठीक है इट विल सी इन द एक्टिविटी नंबर थ्री एक्टिविटी नंबर थ्री विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस एंड कम टू द एक्टिविटी नंबर थ्री बिफोर दिस वी विल स्टडी दिस डू यू नो द टोटल नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म इज टर्म एज डेंटिशन डेंटिशन हम उसे कहते हैं जिस तरह के अरेंजमेंट हमारे मुंह में दांतों में दांतों का मौजूद होता है उसे डेंटिशन कहा जाता है डेंटिशन कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय डेंटल फार्मूला अब डेंटिशन को हम शॉर्ट फॉर्म में इतने अलग, अलग अलग बोलने के बजाय हम एक फार्मूला बना लेते हैं तो उससे हमें आसानी से समझ में आ जाता है तो ये डेंटल फार्मूला क्या है विच गिव्स द नंबर ऑफ टीथ इन वन हाफ ऑफ आ जॉब वो हमारे जो फार्मूला है वो टीथ का न वो हमें नंबर ऑफ टीथ्स बताता है वन हाफ ऑफ यानी आधे हिस्से में दैट इज़ आई इंसाइजर सी कैनाइन पी एम प्रीमोलर एंड कैपिटल एम इज़ फॉर मोलर द डेंटल फार्मूला ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन बींग इज़ टू इज टू वन इज टू टू इज टू थ्री अब इसका मतलब क्या है वो हम एक्टिविटी नंबर थ्री में देखते हैं दिस इज़ योर एक्टिविटी नंबर थ्री इसके अंदर आपको कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल इसमें टेबल कंप्लीट करना है हमने किस तरह कि हमें सबसे पहले टाइप्स ऑफ टीथ दिए हुए हैं ठीक है नंबर इन योर ईच जौ यानी उसमें कितने हमारे पास दांत मौजूद होते हैं हमारे ईच जौ में और उनका फंक्शन क्या है सर नंबर वन इज़ इंसाइज़र इंसाइज़र कितने होते हैं हमारे में हमारे जॉज़ में टू नीचे वाले जॉ में और टू ऊपर वाले जॉ में और ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं फॉर दी बाइटिंग ऑफ फूड कैनाइन कितने होते हैं एक एक साइड पे और दूसरा दूसरी साइड पे ठीक है ना तो टीयरिंग और ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं फॉर द टीयरिंग ऑफ फूड प्रीमोलर्स वी हैव टू प्रीमोलर्स इन ईच जॉ And it is used for grinding and crushing food. Molars, three in each jaw, and it is used for grinding and crushing food also. These two premolars and molars are used for grinding and crushing the foods. Okay? And you can fill this table. Incisor. टू कैन आइन वन वन अपॉन वन प्री मोलर टू अपॉन टू एंड मोलर्स थ्री अपॉन थ्री यानि थ्री एक जॉ में और थ्री दूसरे जॉ में कम टू द एक्टिविटी नंबर फोर एंड इट शोज द अरेंजमेंट ऑफ टेस्ट बर्ड इन योर ऑन योर टंग ठीक है ये आपकी टंग है इसमें डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो अरेंज uh, हुए हुए होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि खाना जो चीज़ हमने खाई है वो कैसी है इसमें क्या करना है हमने प्रिपेयर योर प्रिपेयर फोर डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज स्वीट सुक्रोज यानी स्वीट मीठा सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्टी और सिट्रिक एसिड सॉर होगा एंड लक्यून बिटर होगा आस्क योर फ्रेंड टू पुट आउट हिज टंग अब अपने दोस्त से कहिए कि वो अपनी ज़बान बाहर निकाले और उसे आपने क्या करना है कि नाउ प्लेस द ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ़ द दल्यूशन्स एट वन पॉइंट ऑफ अ टंग यूजिंग अ ड्रॉपर ड्रॉपर के ज़रिए आप क्या करें कि हर सोल्यूशन से एक एक ड्रॉप ले उसकी जबान पर डालिए एंड आस्क हिम और हर टू टेल यू द टेस्ट ऑफ़ द सोल्यूशन अप्लाइड फॉर हिम उसके बाद एक एक ड्रॉप डालने के बाद आप उससे पूछें कि तुम ये कैसा सोल्यूशन है आया तो फिर वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आया स्वीट है सॉर है बिटर है या हॉट है ठीक है ना नाउ आई अप्लाई द सोल्यूशन इन टर्न टू ऑल पार्ट्स ऑफ द टंग यू शुड वॉश द ड्रॉपर हमें ड्रॉपर को वॉश कर लेना चाहिए बिफोर ईच एप्लीकेशन यानी एक सोल्यूशन में डालने के बाद उसे हम धोएंगे फिर हम दूसरा सोल्यूशन में उसे डिप करके ड्रॉपर को फिर आपके फ्रेंड को अपने फ्रेंड को आप टेस्ट करवाएंगे फिर उसके बाद उसको रिकॉर्ड करें रिकॉर्ड द टेस्ट ऑफ़ दी सोल्यूशन अप्लाइड एवरी टाइम उससे पूछेंगे और उसके बाद हम उसे रिकॉर्ड करेंगे फिर हम ये जज करेंगे क्या वो सही कह रहे हैं ठीक है ना अब दिस इज़ दिस इज़ द टंग एंड इट्स टेस्ट जोन जबान के शुरू का हिस्से में हमारे पास ये बेटर टेस्ट इसमें टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं और ये बिटर टेस्ट को आसानी से जो है वो समझ जाते हैं उसके बाद एक साइड पे शौर ये दोनों साइड्स जो हैं ये सौर टेस्ट को आसानी से जो है वो जज कर लेते हैं और यहाँ पर सॉल्टी और स्वीट जो है बिल्कुल एंड में ये हमें टेस्ट बर्ड्स जो है समझा देते हैं कि आया सोल्यूशन जो है वो सॉल्टी था या स्वीट था और बीच के हिस्से में जबान के नॉट मेनी टेस्ट बर्ड्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेस्ट बर्ड्स नहीं होते जो कि उसको सेंस कर सकें टेस्ट को ठीक है ओके कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दिस इज़ डू यू नो डू यू नो में आपके पास ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है ये हम देखते हैं द कलर ऑफ आर टीथ इज़ वाइट आपको मालूम है कि हमारे दांतों का रंग सफ़ेद होता है बट समाइम्स दे लुक येलो लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पीले पीले से बहुत सारे दांत नज़र आते हैं लोगों के डू यू नो वाई और वो क्यों होते हैं वेन वी ईट समथिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड आर लेफ्ट इन बिटवीन द टीथ जब हम कुछ भी खाते हैं तो बहुत छोटे छोटे से टुकड़े जो हैं वो हमारे दांतों के दरमियान में रह जाते हैं स्लाइवाइन बैक्टीरिया प्रजेंट इन इन, इन द माउथ अब हमारे मुंह में स्लाइबा भी मौजूद है और जाहिर है कि क्योंकि मुंह का कांटेक्ट मुस्तकिल बाहर की हवा से है इसलिए हमारे मुंह में बैक्टीरियाज भी मौजूद होते हैं अब स्लाइबा और बैक्टीरिया जो है वो मिक्स विद दिस फूड एंड फॉर्म अ स्टिकी फिल्म ऑन आवर टीथ अब स्लाइबा और बैक्टीरिया जो है वो उस बचे हुए खाने के ऊपर एक्ट से मिल जाते हैं और एक स्टिकी फिल्म सी या कवर सा हमारे दांतों के ऊपर चढ़ा देते हैं दिस स्टिकी फिल्म इज कॉल्ड डेंटल प्लाक इस स्टिकी फिल्म को हम डेंटल प्लाक कहते हैं द एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया एक्ट ऑन दीज स्मॉल फूड पार्टिकल्स एंड प्रोड्यूस शुगर्स एंड एसिड्स अब वो बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं जो कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं वो एक्ट करते हैं उस स्मॉल फूड पार्टिकल्स पे और वो शुगर को शुगर और एसिड प्रोड्यूस करते हैं दीज एसिड डिज़ोल्व द वाइट कवरिंग ऑफ टीथ कॉजिंग टूथ डिके अब जो वाइट कवरिंग हमारे दाँतों के ऊपर चढ़ी हुई होती है वो एसिड्स और शुगर्स जो हैं वो उसको कवरिंग को डिज़ोल्व कर देते हैं उससे हाँ क्या होता है कि वो टूथ डिके शुरू हो जाता है और वो येलोइश होना शुरू हो जाते हैं इफ़ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अ होल और कैिटी इज़ फॉर्म्ड इन द टीथ अगर ये मुस्किल जो है वो प्रोसेस रहे यानी हम अब उसने दांतों को प्रॉपरली साफ़ करके नहीं रखते तो क्या होता है कि ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है और एक होल या सुराख या कैविटी जो है वो हमारे दांतों में हो जाती ठीक है ना डेंटल प्लाक एंड कैविटी फॉर्म अ येलो लेयर ऑन द टीथ अब ये डेंटल प्लाक और ये कैविटी जो है मिलके एक येलो लेयर हमारी दांतों पे चढ़ा देते हैं प्लाक इफेक्ट्स द गम्स टू काजिंग स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब ब्रश करते हैं तो उनके दांतों से खून निकल रहा होता है और स्वेल कर जाते हैं उनके गम्स जो हैं वो भी प्लाक की वजह से ही जो है वो गम्स जो हैं वो स्वेल कर जाते हैं और उनमें से ब्लीडिंग होती है अभी आप ये देख सकते हैं कि ये दाँत येलोइश हो रहे हैं और ये गम्स देखें यहाँ से ख़राब हो रहे हैं ड्यू टू प्लाग इसलिए अपने दांतों को बहुत अच्छे तरीके से ब्रश करना चाहिए और साफ़ सुथरा रखना चाहिए हर खाने के बाद आप ब्रश करें ताकि आपके दांतों में फंसा हुआ जो खाना रह जाता है उसी से ये टूट डिके होता है प्लांक बनता है तो वो जब आप ब्रश कर लेंगे तो वो साफ़ हो जाएगा और फिर आपको ये येलो टीथ जो है वो नहीं बन पाएंगे या कैविटीज़ आपके दांतों में नहीं आएँगी

true as we have studied true you can write here true or t or you can tick b milk teeth are also called permanent teeth milk teeth permanent teeth so, this is wrong or false c the stomach of remnant has four chambers यू नो इट वेरी वेल हमने पढ़ा है कि रेमिनेंट में फोर चैम्बर्स यानी कॉम्प्लेक्स स्टमक होता है और उसके फोर चैम्बर्स होते हैं इट इज़ ट्रू डी द देंकेंड चैम्बर ऑफ रेमिनेंट स्टमक इज कॉल्ड उमेजम नो दिस इज़ रॉन्ग सेकेंड चैम्बर जो है वो उमेजम नहीं बल्कि थर्ड चैम्बर होता है तो दिस इज फॉल्स ई एन एलिफेंट टस्क इज आइन ये भी रॉन्ग है हमने अभी पिछले पेज पे पढ़ा था कि एनिमल एलिफेंट्स टस्क जो हैं वो एनसाइजर होते हैं दिस इज ऑल्सो फॉल्स रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन गिव द शॉर्ट आंसर्स बाय योर सेल्फ नो नीड टू राइट इन द कॉपी ओके देर इज़ अनदर एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर ट्वेंटी वन दैट इज़ चूज द करेक्ट आंसर नंबर वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द टीयरिंग टीथ अब टीयरिंग टीथ कौन से होते हैं जिनसे हम अपनी टीयर किया जाता है दैट इज कैनाइन बी द अनडाइजेस्ट फूड इज़ एलिमिनेटेड थ्रू अनडेस्टिड फूड जो है वो हमारी बॉडी से कैसे किस जगह से बाहर आता है दैट इज़ एनस बी इन एमेबा इन इंजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ अब इंजेक्शन जो है वो अमीबा में किस तरह होता है इट्स फ्रॉम इट्स सूडोपोडिया बी नंबर ऑफ़ कैनाइन प्रेजेंट इन एन एडल्ट इज कैनाइन जो एडल्ट में कितने मौजूद होते हैं दो हमारे ईच जॉ में होते हैं इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ़ कैनाइन कितने हुए फोर दो अपर जॉ में और दो लोअर जॉ में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम अब स्टमक भी डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है लिवर भी होता है पेंक्रियाज भी होता है बट लंग्स आर नॉट प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम सो डी लंग्स कम टू द नेक्स्ट पेज दैट इज पेज नंबर ट्वेंटी टू हेयर इज

नेम द बॉडी पार्ट दैट कैप्चर द फूड इन एमेबा वो कौन सा हिस्सा है जो कि एमेबा में जो कि फूड को कैप्चर करता है यानी पकड़ता है दैट इज सुडोपोडिया थ्री फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस अब आपको बताइए कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है लार्ज इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन फोर नेम द ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल फूड न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस अब हमें वो कौन सा जगह है जहाँ पर के डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन और एब्जॉर्बन होता है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन नंबर फाइव नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी सबसे बड़ा ग्लैंड जो है ह्यूमन बॉडी का वो कौन सा है दैट इज लिवर लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी hope you understand all the work i will continue the short question answer and the long question answer in my next video thank you and allah hafiz